बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल पर जिसका नाम है मोहिनीस लाइफस्टाइल। और आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि मैं कौन सा फाउंडेशन इस टाइम पे यूज़ कर रही हूँ। और आप लोगों को भी अगर एक लाइट कवरेज वाला फाउंडेशन अगर चाहिए ना, तो आप लोग भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको एटलीस्ट मुझे लगता है 10 से 15 दिन हो गया है मुझे इसे यूज़ करते हुए, इससे ज़्यादा ही हो गया होगा। और ये जो फाउंडेशन है ये है हाई कवरेज, ये है स्विस ब्यूटी का हाई कवरेज, ठीक है। तो स्विस ब्यूटी का ही प्रोडक्ट है, और इससे पहले जो मैं लगाती थी वो भी स्विस ब्यूटी का था। ये देखिए ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है जो कि, और ये स्विस ब्यूटी का स्किन केयर फाउंडेशन था जो कि सीसी क्रीम था, बट होता ये फाउंडेशन ही है, इसमें सीसी क्रीम लिखा है। बट सेम चीज़ दोनों फाउंडेशन में, मुझे फ़र्क पता है क्या लगा है इसका, जो थोड़ा सा हल्का मैट लुक में ये देता था फेस को, बट ये वाला जो है ना वो बहुत ही शाइन और ग्लो पीच टाइप का लुक देता है। इसका जो टेक्सचर वो भी थोड़ा सा पीच कलर टाइप का है। तो चलिए पहले मैं इसकी पैकिंग, इस तरीके के कार्डबोर्ड में आता है, और अंदर जो है आपको इस तरीके की बॉटल मिल जाती है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है, और बहुत ही अच्छी स्टाइलिश सी बॉटल लगती है ग्लास फिनिश में, जो कि थोड़ा सा धुंधला मैट लुक में है। और इसका जो शेड है वो 02 है, 02 रोज़ ब्लश। हाँ तो देखिए रोज़ ब्लश है, और ये काम भी वैसे ही करता है, थोड़ा सा पिंकिश सा ग्लो देता है फेस पे। तो ये मुझे ग्लोई फाउंडेशन लगा है। और इसका जो प्राइस है, इसमें लिखा तो 399 है, यस 399, इतना छोटा छोटा लिखते हैं ना कि पता ही नहीं चलता है। तो इसमें लिखा 399 है, बट ये आप ऑनलाइन देखने जाओगे तो आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा, शॉप पे भी आपको ये बहुत कम प्राइस में मिलेगा। तो मुझे ये फाउंडेशन बहुत पसंद आया, क्योंकि जिन लोगों को ना लाइट कवरेज फाउंडेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा अपने फेस पे क्लियर नहीं चाहिए आपको, आपकी स्किन अगर ऑलरेडी अच्छी है, बस आपको थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा सा कवरेज, हल्की सी कवरेज आपको चाहिए होती है बस, और स्किन आपकी पॉलिश लगे, अच्छी दिखाई दे, बस इसके लिए वो फाउंडेशन या बीबी क्रीम ये सब लगाते हैं। तो जो लोग बीबी क्रीम भी लगाते हैं ना, तो वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सेम फार्मूला वही है बीबी क्रीम वाला ही। और बट ये जो है बहुत ज़्यादा स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है, क्योंकि जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए तो ये बेस्ट है। और सर्दियों में अगर आप यूज़ करते हो तो भी ये बहुत बेस्ट है, अगर सर्दियों के लिए आपको कोई बहुत अच्छा फाउंडेशन चाहिए तो सर्दियों के लिए भी आप ये स्विस ब्यूटी का हाई कवरेज, और वाटरप्रूफ है इसमें सब लिखा है, तो वाटरप्रूफ वाला टेस्ट तो मैंने नहीं किया है, बट मेरे फेस से ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होता है, हटता नहीं है। मैं इसको लगा के रखती हूँ सुबह से शाम तक, तो ये वैसे का वैसे ही रहता है। जो वाइट कास्ट होता है वो नहीं आपके फेस पे देता है। तो ओवरऑल मुझे ये बहुत बेस्ट लगा है। और जो लोग बीबी क्रीम यूज़ करते हैं ना, तो उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, रेट काफ़ी होता है बट क्वांटिटी कम होती है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको ना एक बार इसका दिखा देती हूँ टेक्सचर, तो देखिए बहुत थोड़ा सा मैं लूँगी। और हाँ, मेरे को जैसे बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए होती है फेस पे, तो मैं इसको बहुत थोड़ा सा ही लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, ये देखिए बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, मॉइस्चराइज मतलब एकदम मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने लिया था, और ये ड्राई स्किन वालों के लिए तो एकदम बेस्ट है, और बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, मतलब बहुत अच्छे से ये ब्लेंड होता है और बहुत अच्छा फिनिश देता है आपके फेस को। आप देख ही रहे हो मैं जैसे जैसे ब्लेंड कर रही हूँ ये कितना अच्छा फिनिश दे रहा है। और जिनको हाई कवरेज चाहिए होती है तो वो इस तरीके से लेयर लगाएं, और जिनको हाई कवरेज नहीं चाहिए तो वो थोड़ा सा लगा के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें, ठीक है। फिर आप इसको कॉम्पैक्ट वगैरह से सेट करोगे तो ये एकदम बहुत अच्छी फिनिश देगा। देखिए डिफरेंस देखिए आप हैंड पे, तो इसका जो कवरेज है और इसका जो शाइन है वो बहुत अच्छा है, मतलब एकदम हाइलाइटर वाला लुक आता है इसमें, और बहुत अच्छे आपके फेस को शाइन देता है। तो अभी तो मैंने फाउंडेशन यूज़ नहीं किया अपने फेस पे, बट जब भी मैं यूज़ करती हूँ ना तो मेरा फेस काफ़ी ग्लो करता है, तो अलग से हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मैं अभी भी इसको ब्लेंड कर रही हूँ। तो ये मेरी आदत है ना थोड़ा सा फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना, कि मुझे लगता है यार इधर ज़्यादा हो रहा है, इधर ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे फेस पे लेयर पसंद नहीं है कि मैं मेकअप की एक लेयर लगा दूँ, वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे बहुत लाइट वाला कवरेज पसंद आता है। तो अगर आप लोग बहुत अच्छा कोई अच्छा फाउंडेशन देख रहे हैं, तो आप या तो ये ले सकते हैं, या फिर मेरा ये पुराने वाला जो
मैस्ट्रीज ब्यूटी का ही सीसी यूज़ करती थी, तो आप ये ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। तो लगे हाथ मैं आपको इसका भी दिखा देती हूँ स्वेच, वैसे तो ख़त्म हो गया है तो मैं इस हैंड पे दिखा देती हूँ। तो ये लगभग दोनों ना सेम ही हैं, देखिए थोड़ा सा लेती हूँ, बट ये वाला जो है थोड़ा सा वाइट टोन में है, ये वाला जो थोड़ा सा येलो टाइप का है, और ये इससे थिक है थोड़ा सा। ये जो हाई कवरेज था ये थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग ज़्यादा है, ये थोड़ा सा थिक है, और ये थोड़ा येलो टोन में, ये थोड़ा हाई कवरेज थोड़ा सा पिंक टोन में, ये थोड़ा सा येलो टोन में। देखिए ये दिख रहा होगा आपको, ये देखिए। तो इसका कवरेज मुझे ज़्यादा पसंद आया और यही वाला मुझे ज़्यादा पसंद आया। मैं बीबी क्रीम की जगह भी यही यूज़ करती हूँ, बस थोड़ा सा लेके फेस पे पूरा लगा लेती हूँ और मैं गुड टू गो, बहुत अच्छा मुझे लगता है। तो आप लोग भी अगर अच्छा फाउंडेशन ढूंढ रहे होंगे तो आई होप ये वीडियो जो है आपको मदद करेगा इस चीज़ के लिए कि आप एक अच्छा डेली वियर टाइप का फाउंडेशन ले सकें, क्योंकि ये फाउंडेशन बहुत हाई कवरेज नहीं है। और एक चीज़ और है, ये मतलब जैसे फाउंडेशन लेयर आपके फेस पर नहीं बनाएगा, हाइड नहीं करेगा चीज़ों को, आपका जो रियल फेस है वो रियल रहेगा। और हमेशा जब भी आप मेकअप करें ना, तो मेकअप से आपको अपने आप को बदलना नहीं है, आप जैसे हो आपको वैसा ही रहना है, बस अपनी जो फीचर्स हैं, अपना जो फेस है उसको बस थोड़ा सा इन्हेंस करना होता है, अपने आप को टोटली नहीं बदलना है कि लोग पहचान ही ना पाए कि आप वही हो। तो मेकअप ऑल अबाउट, जैसे आप हो वैसे ही रहो, मेकअप से एकदम अपने आप को डिफरेंट चेंज मत कर दो। तो मेकअप बस यही चीज़ है, मेरे माइंड में मेकअप यही आता है कि आप जैसे हो बस अपने आप को थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए, थोड़ा सा फ्रेश फील करने के लिए मैं मेकअप करती हूँ, एकदम डिफरेंट दिखाने के लिए मैं मेकअप नहीं करती हूँ कि मैं जैसे हूँ मेरी पर्सनालिटी चेंज हो जाए, मैं एकदम डिफरेंट दिखने लगूँ, तो ये चीज़ मैं नहीं करती हूँ। तो चलिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है पीछे क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती, रूम खुला है और बाहर से आवाज़ आ रही है, तो इसलिए इस वीडियो को मैं यही एंड कर देती हूँ। बेटा मेरा बहुत रो रहा है, छोटा वाला देवरानी का बेटा, वो बहुत रो रहा नहा रहा है। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखिए, बाय।